हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। बड़ी खबर से इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत, आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बातचीत। दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन पर चर्चा। खबर तो यह भी है कि सीट बंटवारे को लेकर शीर्ष नेतृत्व में बातचीत चल रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है। नवीन जय हिंद ने इस बाबत एक ट्वीट भी किया है। क्या है इस ट्वीट में वो भी हम आपको बताते हैं। कह रहे हैं हरियाणा में अगर गठबंधन हुआ तो पूरी 10 सीटें ये गठबंधन ही जीतेगा, संभावनाएं जता दी गई है नवीन जय हिंद की तरफ से। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, नवीन जय हिंद ने एक ट्वीट किया है कि हरियाणा में अगर गठबंधन हुआ तो पूरी 10 सीटें ये गठबंधन जीतेगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अगर ये गठबंधन होता है तो संभावनाएं इसकी बन रही हैं, क्योंकि आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत चल रही है। दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन को लेकर यह चर्चा जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, हमारे सहयोगी जितेंद्र चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, नवीन जय हिंद ने जो ट्वीट किया है उससे क्या संभावनाएं बनती नजर आ रही है, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं आम आदमी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर? देखिए, सीधे तौर पर एक बार फिर नवीन जय हिंद का ट्वीट गठबंधन को लेकर के सामने आया है। इससे पहले भी एक ट्वीट नवीन जय हिंद कर चुके हैं जो की कांग्रेस और जेजेपी के गठबंधन को लेकर के था, और साथ ही एक बयान जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी सामने आया था। फिलहाल अगर हम बात करें एक बार फिर गठबंधन की चर्चाओं के बीच, नवीन जय हिंद ने सबसे पहले जो शब्द लिखे हैं उसमें लिखा है गठबंधन हुआ तो 10 सीटें गठबंधन जीतेगा, नहीं तो बीजेपी जीतेगी। यानी सीधे तौर पर गठबंधन नहीं होता तो ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर अपनी शिकस्त तो जरूर मान रही है गठबंधन ना होने की सूरत में लोकसभा चुनाव में, खासतौर से अगर हम बात करें तो। वहीं दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर के दिल्ली में फिलहाल चर्चाएं जो है इस बात को लेकर के जोरों पर है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, साथ ही हरियाणा को लेकर के भी संभावनाएं तलाशी जा रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई गठबंधन होगा या नहीं इस पर अभी चर्चा नहीं की जा रही है। और फिलहाल अगर हम बात करें तो सीटों को लेकर के और कुछ और टेक्निकल ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के ये माना जा रहा है कि अभी गठबंधन को लेकर के बातचीत भले ही हो रही है लेकिन ये पूरे तरीके से सिरे चढ़ पाएगी या नहीं, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चले जितेंद्र, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे। नवीन जय हिंद ने इस बाबत ट्वीट किया है और अगर गठबंधन हुआ तो ये भी लिखा है नवीन जय हिंद ने, और जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र भी बता रहे थे कि बहुत आसान राह नहीं है, अगर ये परवान चढ़ पाए तो गठबंधन होगा क्योंकि पेज कई फंसे हुए हैं इसको लेकर के। कौन सी सीट किसको दी जाएगी भी अपने आप में एक बेहद अहम सवाल होता है, क्योंकि कई बार दोनों पार्टियां जो है वो अड़ जाती है, जो आपस में गठबंधन करती है कि उन्हें ये वाली सीट चाहिए। तो ऐसे में अगर ये गठबंधन सिरे चढ़ता है, अगर ये बातचीत सिरे चढ़ती है तो गठबंधन होगा, उसके बाद सीटों का बंटवारा, यानी अभी जो तमाम विकल्प हैं उन पर बातचीत अभी जारी है। और इसके पहले ही नवीन जय हिंद ने ये ट्वीट किया है। हालांकि एक जो ट्वीट में ये भी है कि अगर गठबंधन होता है तो 10 की 10 सीटें जो है ये गठबंधन जीत सकता है, अन्यथा बीजेपी जीत जाएगी। तो कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे सहयोगी भी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं लोकसभा में अपनी शिकस्त मान कर चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं और आम आदमी पार्टी, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या उससे बचने के लिए आम आदमी पार्टी ये गठबंधन करना चाह रही है। पहले से ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर हमें बीजेपी को हराना है तो हमें साथ आना होगा। हालांकि अगर हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं तो हरियाणा में जेजेपी ने इनकार कर दिया था कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस भी कई बार इस चीज को खारिज कर चुकी है।
और कांग्रेस की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि हम अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उम्मीदें अपनी नहीं छोड़ी और लगातार वो गुहार लगाते रहे हैं और अब लगता है कि इसको लेकर बातचीत जो है वो चल रही है। ये गुहार क्या असर लाएगी, क्या कोई गठबंधन हो पाएगा, नजरें इस पर बनी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर हैं। सीट बंटवारे को लेकर जो सबसे अहम पेज है उसको लेकर शीर्ष नेतृत्व में अभी बातचीत जारी है। प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस नरेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नरेश जी, क्या बातचीत चल रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर, क्योंकि नवीन जयहिंद साहब ये ट्वीट कर रहे हैं कि अगर गठबंधन हुआ तो 10 की 10 सीटें गठबंधन ही जीतेगा, आपको खबर है कुछ? नहीं, मेरे को पूरी डिटेल से खबर तो नहीं है, मैं बाहर हूँ कहीं हल्के में जी और भाइयों के बीच में बैठा हूँ, लेकिन ये सत्य है अगर गठबंधन होगा तब भी ना होगा तब भी कांग्रेस पार्टी विजय पताका लहराएगी, इस बात में संदेह नहीं है बिल्कुल भी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा पेश किया था उसमें से एक काम भी नहीं किया, और घोषणाओं के और टीवी स्टार इनको किसी नाटक में भाग लेने लेना चाहिए, कई चैनल तो इन्हीं के लिए राष्ट्रीय चैनल काम कर रहे हैं मैम। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस ही जीतेगी 10 की 10 सीट और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ तय है। नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी से गठबंधन में आपको लग रहा है कि कोई पेच है? अगर आपने कहा कि गठबंधन हुआ तो भी सही, ना हुआ तो भी सही, तो आखिर ऐसा जो संशय अगर आपके अंदर ही बरकरार है, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, कि होता है तो ठीक ना हो तो ठीक, तो ऐसे में उस गठबंधन का क्या आधार होगा, क्या भविष्य होगा? देखिए मैम, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बातचीत चल रही है और मैं अनावश्यक टिप्पणी करने में विश्वास नहीं रखता, पूरी मेरे को जानकारी पॉइंट टू पॉइंट नहीं है जी। तो इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट्स भी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बातचीत के दौर तो पता ना किन किन से चलते रहते, हो जाए तो भी अच्छा ना होगा, तो भी कांग्रेस सबल और सक्षम स्थिति में, सुदृढ़ स्थिति में। अच्छा नरेश जी, आपको लगता है कि अगर मान लीजिए गठबंधन होता है, शर्तों पर अगर बातचीत संभव हो जाती है, तो सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसेगा या कांग्रेस पहले से अड़ जाएगी, पहले से मजबूत स्थिति में रहेगी कि भैया हमें ये सीट चाहिए और आम आदमी पार्टी को ये सीटें मिलनी चाहिए, इसको लेकर भी कुछ पेच फंस सकता है क्या? बिल्कुल, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और जरूर गठबंधन का धर्म निभाएगी और मापदंड के आधार पर ही जो अच्छी सबल और सक्षम स्थिति में हमारे पास कैंडिडेट है उनकी सीट जरूर मांगनी चाहिए और मांगेंगे भी। चलिए नरेश जी, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि बातचीत चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और जो भी बड़े लेवल के लोग हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं, इसलिए आप कोई टिप्पणी करने से बचना चाहते हैं, तो एक तरीके से आपने भी उस तरफ इशारा किया है। जैसा कि हमारे सूत्र भी ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि बातचीत जारी है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा और दिल्ली में गठबंधन को लेकर, नवीन जयहिंद ने जो ट्वीट किया है उसको लेकर। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ये कह रहे हैं कि गठबंधन हुआ तो भी हम भी जीतेंगे और नहीं हुआ तो भी कांग्रेस जीतेगी, तो सब अपनी अपनी हुंकार भरने में लगे हुए हैं। फिलहाल नवीन जयहिंद ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट के आधार पर यही कहा जा सकता है कि बातचीत अभी चल रही है, सीट बंटवारे को लेकर शीर्ष नेतृत्व में ये बातचीत जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हरियाणा में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बीच बातचीत जारी है, सीटों के बंटवारे को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, नवीन जयहिंद ने ट्वीट किया कि गठबंधन हुआ तो 10 की 10 सीटें जीतेगा गठबंधन, नहीं हुआ तो जीतेगी बीजेपी, लेकिन नवरात्र शुरू है, लगता है माता रानी राक्षस सोच का विनाश करेंगी, बीजेपी के चौकीदार का खुट्टा पाड़ेंगे बेरोजगार, ये ट्वीट है नवीन जयहिंद का। संभावनाएं यही जता रहे हैं कि गठबंधन हो सकता है, नहीं होगा तो बीजेपी जीतेगी, एक तरीके की चेतावनी दे रहे हैं और अपनी निराशा भी जाहिर कर रहे हैं कि भैया हम तो बिल्कुल फ्रेम में है ही नहीं, अगर गठबंधन हुआ तो शायद हमारी साख बच पाएगी, नहीं तो वो भी नहीं बच पाएगी, उनके ट्वीट से तो यही साफ लग रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि शीर्ष नेतृत्व के बीच
बातचीत जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है उनके बीच में दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हालांकि इस तरफ इशारा किया नवीन जयहिंद के ट्वीट ने भी और प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस नरेश शर्मा ने भी। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप जी आवाज मिल रही है? जी मिल रही। प्रदीप जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, आम आदमी पार्टी तो पहले से ही गुहार लगा रही थी, पहले ही कह रही थी कि भैया हमसे गठबंधन कर लो, अब लगता है कि उस पर तरस आ गया है कांग्रेस को, शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत जारी है, नवीन जयहिंद साहब का ट्वीट आया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए दो पहलू हैं जी, कि नवीन जयहिंद का ट्वीट आया है तो हरियाणा के लिए आया होगा। हाँ। लेकिन अगर कांग्रेस की आम आदमी की पार्टी की बात और कांग्रेस की दिल्ली में तय होती है तो तभी ये गठबंधन हरियाणा में संभव हो पाएगा, क्योंकि तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हरियाणा में किसी और पार्टी से गठबंधन करें, क्योंकि जेजेपी पहले स्पष्ट कर चुकी है कि अगर दिल्ली में आपका गठबंधन कांग्रेस से हुआ तो वो किसी कीमत पर भी हरियाणा में गठबंधन नहीं करेंगे जी। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बात बन तो जेजेपी की कांग्रेस और आपकी बात बन जाती है दोनों स्टेट में तो दोनों को लगता भी है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत भी है और गठबंधन हो भी सकता है। लेकिन लगता है कि जिस तरह से ये पार्टियां आपस में हर गर्मी पर डटी हुई हैं जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई संभावना है कि पूरी तरह से ये सफल हो पाए। चलिए प्रदीप जी बहुत शुक्रिया आपका। राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आसार ये भी कि हो सकता है गठबंधन ना हो। हमारे साथ इनेलो से प्रवीण अत्रे जी जुड़ गए हैं। प्रवीण जी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल मिल रही है। खबरें आ रही हैं कि शीर्ष नेतृत्व के बीच, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। नवीन जैन साहब ट्वीट कर रहे हैं कि अगर गठबंधन हुआ तो गठबंधन 10 की 10 सीटें जीतेगी, अन्यथा बीजेपी जीत जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं उनके समीकरण को? आम आदमी पार्टी पहले से ही लग रहा है कि निराश है, हालांकि कांग्रेस हाँ ना करते करते अब इस मोड़ पर आ पहुंची है। देखिए आपने देखा पहले भी 3 बार ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन की बात करते हैं, राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर इनकार करते हैं, नवीन जयहिंद जो है वो ट्वीट करते हैं, लेकिन कांग्रेस का क्षेत्रीय नेतृत्व स्पष्ट तौर पे मना करता है। तो इससे एक चीज समझ में आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो मुझे लगता है कि अपना अस्तित्व पूरी तरह से खो चुकी है, वो किसी तरह से दूसरे के कंधे पे सवार होके प्रदेश की राजनीति में अपना अस्तित्व ढूंढने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में एक बात स्पष्ट है, हम तो डूबे हैं तुमको भी ले डूबेंगे सनम वाली कहानी यहाँ पे चरितार्थ हो जाएगी अगर ऐसा हुआ। चले बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण अत्रे साहब। तो ये कहानी हो जाएगी कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे अगर ये गठबंधन हुआ तो। गठबंधन अभी हुआ नहीं, लेकिन निशाना साधने का जो सिलसिला है वो शुरू भी हो गया है। फिलहाल आपको बता दें नवीन जयहिंद का ये ट्वीट इस तरफ इशारा कर रहा है कि बातचीत जारी है, बातचीत चल रही है और हो सकता है कि गठबंधन हो जाए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में।